अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम दही बड़े बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उड़द की दाल लेंगे। उड़द की दाल मैंने 1.5 कप लिया है और इसको पहले से भिगो लिया था। आप चाहे तो धुली हुई उड़द भी ले सकते हैं। हमने ये छिलके वाली दाल लिया था, अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब 500 ग्राम मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। अनार के दाने लिए हैं 1 कप। गार्निश के लिए किशमिश लिया है 10 से 15, और हींग लिया है मैंने आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और जीरा और लाल मिर्च भुना पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और नमक स्वाद अनुसार। पहले एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें उड़द की दाल को डालकर हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। दाल को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का दरदरा ही पीसेंगे। इससे हमारा वड़ा बहुत ही फ्लफी और बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होता है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे। दाल मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए दाल कितने अच्छे से हल्का दरदरा तैयार हुआ, ना ज़्यादा ये पतला है ना मोटा। इससे मेरा वड़ा अच्छे से बनेगा। अब इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच जीरा लिए थे, इसको ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच नमक, 10 से 15 किशमिश, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको एक ही साइड में इसको अच्छे से फेंटना है। अच्छे से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े बनाने लगेंगे। अब इसमें ऑयल डाल देंगे फ्राई करने के लिए बड़े को। मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसे मैं चेक करने के लिए थोड़ा सा दाल डाल के देखूंगी कि गरम हुआ कि नहीं। ये ऊपर आ जाएगा, देखिए इसमें ये बुलबुले ऊपर फेंकने लगे हैं, इसका मतलब ये गरम हो गया था। ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, ये ऊपर आ गया। अब मैं वड़े बनाकर इसमें तेल में डालूंगी। आप इसमें 2 चम्मच रवा भी ऐड कर सकते हैं। अगर रवा ना हो तो स्किप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रवे से भी बहुत ही अच्छा वड़ा बनकर तैयार होता है। मैंने 2 चम्मच इसमें रवा ऐड कर लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और वड़ा बनाएंगे। तेल मेरा पहले से ही गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम फिंगर में पानी को डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद फिंगर लेंगे, दोनों हाथों के फिंगर को डिप कर लेंगे पानी में। फिर ये फिंगर पे ऐसे रखेंगे दाल के पेस्ट को, और फिर इसको गोल गोल से घुमा देंगे। इसके बाद ये फिंगर को पानी में डिप करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और ऐसे धीरे से डाल देंगे। और सारे बड़े हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ऐसे रखा मैंने, डिप किया, ऐसे किया, इस पर डाला और हल्के से इसे डाल दिया। इससे आपके बड़े बहुत अच्छे से बनते हैं गोल गोल। और हर बड़े में जब जो हमने किशमिश को ऐड किया था, वो हर बड़े में एक एक किशमिश डालते रहिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बड़े कितने फूले हुए बन रहे हैं।
वड़ा हम लोगों का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये ब्राउन होके निकल गया है। ऑयल को ऐसे करके, वड़े को ऐसे कर देंगे कि इसके सारे ऑयल निकल जाए। इस तरीके से तवगीर को करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑयल ना आए। फ्राई किए हुए वड़े को हम पानी में, एक बाउल में पानी लिया है, इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसे भिगोए देंगे कि अच्छे से फूल जाएगा। अब दही में हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे, ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर जो मैंने लिया था, ये 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और ये मैं 1/2 चम्मच इसमें काला नमक यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 3 मिनट हो गया है। अब देखिए ये वड़ा अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम हल्का सा पानी इसका ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे। अब इस पानी को हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, दही में ऐड करेंगे, इससे दही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। ये पानी मेरा वही वाला पानी है जिसमें वड़ा अच्छे से फूला हुआ था। अब इसको मैं 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करूँगी, इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा वह होता है। अब हम इसमें दही को ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देंगे अनार के दाने से। मीठी चटनी के साथ सर्व करें दही बड़े, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए मेरे दही बड़े कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अगर मेरा ये दही बड़ा आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।